हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिकेविएशन। आज के वीडियो में हम एक नया मॉड्यूल यानी कि एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन फैक्टर यानी कि मॉड्यूल 9। ठीक है, और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है कि हम कहाँ से सोर्सेस लेके इस पूरे प्लेलिस्ट को चालू करेंगे, कैसे इस सब्जेक्ट को खत्म किया जाएगा और ह्यूमन फैक्टर आखिर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर का मतलब सबसे पहले समझते हैं। ह्यूमन फैक्टर का मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड यानी इंसानों से रिलेटेड जितनी भी उनकी कैपेबिलिटीज और उनके लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटीज का मतलब वो क्या कर सकते हैं और लिमिटेशंस का मतलब वो कहां तक कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते, उनकी क्या हद है, उनका क्या दायरा है। इस चीज को हम, इस पूरी स्टडी को हम ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, बात ये आती है कि ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम हमेशा जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ तो इस बात पर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि आपको ये जरूर पता हो कि आपको वो चीज क्यों पढ़ाया जा रहा है और आपको वो चीज जानने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर इसलिए आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि जब एविएशन का एकदम आगमन हुआ, एविएशन जब एकदम शुरू के फेजेस में था, जहां वो इनिशियली स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर हमारे पास इतने अच्छे प्लेन्स के डिजाइन नहीं थे, प्लेन के लिए, प्लेन को बनाने के लिए इतने अच्छे इंजन नहीं थे, उनके लिए इतने अच्छे मटेरियल नहीं थे, उतने सारे रिसोर्सेज और अदर थिंग्स हमारे पास नहीं थे। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता था वो इन चीजों पर बेस्ड होता था कि इन चीजों को हम कैसे इंप्रूव करें। टाइम के साथ ये सारी चीजें तो इंप्रूव हो गई, लेकिन जो ह्यूमन थे यानी जो इंसान, क्योंकि एविएशन जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम बहुत सोफेस्टिकेटेड मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जहां पर हमारे इंजीनियर्स हो गए, हमारे क्रू मेंबर्स हो गए, हमारे पायलट्स हो गए या फिर हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हो गए, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और इन रोल्स में हम ह्यूमंस को ही यूज कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन जो है वो इंटेलिजेंट होता है और अपने चीजों को अपने हिसाब से वो एनालाइज कर सकता है और एक सिचुएशनल अवेयरनेस दिखा सकता है। ठीक है, तो जब ये सारा काम हो गया यानी कि एविएशन काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया, हमारी जो मशीनें थी यानी एयरक्राफ्ट थे वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, उसके बावजूद भी हमने देखा कि बहुत ढेर सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट ऐसे हो रहे थे जिसमें ह्यूमन एरर्स थे यानी इंसानों के द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई। ठीक है, तो जब इसकी स्टडी की गई तो स्टडी में यह पाया गया कि इसमें ह्यूमन जो है वो जानबूझ के कोई गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी है, उसके बॉडी में लगे हुए पार्ट्स ऐसे हैं, उसका ब्रेन ऐसा है जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और उसकी कुछ कैपेबिलिटीज भी हैं हालांकि, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके बाहर जाकर अगर ह्यूमन काम करता है तो उसकी वजह से बहुत सारे एरर्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं, आपके कान जो है यानी ईयर्स जो है वो कोई भी साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड हो या 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड हो वो उसको सुन ही नहीं सकता है। ठीक है, आप कितने भी एफर्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, इससे ना तो कम साउंड सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से ना तो कम का साउंड सुन सकता है और ना 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड सुन सकता है। तो ये क्या है, आपकी एक लिमिटेशन है यानी ह्यूमन का ये लिमिट है। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें या तो अलग प्रकार के एड्स का यूज करना होगा यानी ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करना होगा कि वो सुन सके अगर सुनना है तो, और या फिर हमें इस बात को माननी पड़ेगी कि हमारा जो पूरा इकोसिस्टम हो वो इसी रेंज के अंदर हो। ठीक है, इसी तरह आईज की लिमिट होती है कि आप लगभग 20-25 सेंटीमीटर से कम की चीजें नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा 20 किलोमीटर दूर की चीजें थोड़ी देख सकते हो, तो उसके लिए क्या बना दिया गया, फिर दूरबीन बना दिया गया। ठीक है, टेलीस्कोप जिसको हम कहते हैं, जहां से आप दूर की चीजें देख सकते हो, तो इस तरह से हम इक्विपमेंट्स का यूज करने लगे इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इन सारी चीजों की स्टडी कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनसे उनके क्या परफॉर्मेंसेज हैं, वर्क प्लेस के हजार, जैसे अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मी में तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बट अगर ठंडी हो तो वो काम नहीं कर सकते, तो भी क्या है, ह्यूमन का लिमिटेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर मौसम में तो बहुत अच्छा काम करते हैं बट उनके लिए बरसात की बड़ी दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाते उसमें अच्छे काम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाइट से डरते हैं, हाइट पर काम नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड जगह पर काम नहीं कर सकते यानी छोटे जगहों पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ह्यूमन के लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये सारे चीजों को काउंटर करने के लिए या तो आप अलग इंसान का यूज करिए या फिर आप ऐसे इक्विपमेंट्स बनाइए, ऐसे कंपोनेंट्स बनाइए जहां पर इन चीजों को हम काउंटर कर सके। तो ये सारी चीजें पढ़ना जो है इसी को हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं अपने आगे के सारे वीडियोस में। ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन। जनरली जो हमारा सोर्स होगा इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का जहां पर हम चीजें समझाएंगे वो हम ईयासा का मॉड्यूल 9 यानी कि जो ईयासा का हमारा अप्रूव्ड मॉड्यूल है वो, और CAP 715 ये दो बुक्स का हम यूज करने वाले हैं। तो अगर आप खुद से भी इस चीज को और ज्यादा एलोबरेट करके पढ़ना चाहते हैं तो इन दो बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एनएफ है इस मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है
कि इसको कोई जरूरी नहीं है कि ह्यूमन वही इंसान देखे जो एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हालांकि हमारी चीजें कंसंट्रेटेड होंगी एविएशन पर, बट इसका लाभ आप कोई भी इंसान जो जनरल इंसान है वो भी उठा सकता है और इस चीज को देख सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। पढ़ाई एक तरफ है, ठीक है, पढ़ाई तो होती रहेगी, बट आपकी लाइफ को बचाने के लिए, आपके बॉडी को बचाने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स वगैरह होते हैं, उन चीजों की बात भी हम करेंगे इस मॉड्यूल में। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हम आगे चल के एक एक वीडियो बनाएंगे और एक एक चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पिछले हमने दो वीडियो जो चैप्टर्स खत्म किए, दो सब्जेक्ट खत्म किए, मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 7, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और बाकी इसको तो आपको देखना ही है, क्योंकि इसको हम अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों तक और भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग चाहें वो हमसे जुड़ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।